आदिवासियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या किया है और बंगाल सरकार किस प्रकार से आदिवासियों के अधिकारों में भी भ्रष्टाचार कर रही है, ये बताने का प्रयास किया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टिकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। एक बंगाल एक जमाने में जो देश के विकास की अगुवाई करता था, देश की शिक्षा की अगुवाई करता था, आध्यात्म के क्षेत्र में देश की अगुवाई करता था और स्वतंत्र सेना, स्वतंत्र सेनानियों के क्षेत्र में भी बंगाल पूरे देश भर में मुखर करता, सुभाष बाबू हो चाहे खुदीराम बोस हो, वो बंगाली ही थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई ऊर्जा दी। वंदे मातरम के गान ने पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया। वही बंगाल आज गुंडा राज के अंदर लिप्त होकर रह गया है। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है, वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही। और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। मैं आज झारग्राम की इस रैली में हजारों की संख्या में उपस्थित सभी आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, आज एक संकल्प कर जाइए, हमारे विकास में जो सरकार आड़े आ रही है वो सरकार को हम हटाकर दम लेंगे।